नमस्कार, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञाना महोत्सव हम लगातार हर वर्ष करते हैं और इस वर्ष क्योंकि कोविड-19 के चलते हम इसे वर्चुअल रूप दे रहे हैं और लगातार हम 3 दिनों तक इस कार्यक्रम को चलाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, जिन्होंने करीब 41 वर्षों तक देश की सेवा की है और बॉर्डर पर खड़े रहकर आपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। आज हम आपसे बात करेंगे और बात वो करेंगे क्योंकि भारत का एक ऐसा इतिहास रहा है, एक परंपरा रही है, जहां पर बहुत से इतिहास रचे गए हैं, लेकिन बहुत से इतिहास ऐसे भी हैं जो कुछ पन्नों के अंदर रह गए हैं, हमें पूरी तरीके से उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। आज हम ऐसे ही विषय के साथ बातचीत करेंगे क्योंकि अनुज माथुर साहब जो हैं, उन्होंने कश्मीर में बहुत समय बिताया है और उनको भारत के इतिहास की ऐसी ऐसी जानकारियां हैं जो हो सकता है कि शायद आपको और हमको कहीं ना कहीं हमसे छूट गई हैं या हमें उसकी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ प्राउड भारत, यानी कि भारत के राष्ट्रवाद का अनकहा और एक गर्व भरा इतिहास जो है वो हमारे साथ आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, आपका ज्ञान महोत्सव में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जी अनुज जी, क्योंकि आपने 41 वर्षों तक देश की सेवा की है, आप बॉर्डर पर दुश्मन के सामने डटे रहे हैं और कश्मीर में आपने काफी काम किया है, तो हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे हमारे देश का बहुत सारा इतिहास है जो हम जैसे लोग या हमारे जैसे जो दूसरे लोग हैं उन तक पूरी तरह से वो नहीं पहुंच पाया है, तो आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास जो है उसकी आपको और हमको और हमारे तमाम दर्शकों को पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले, क्योंकि हमने बात कश्मीर से शुरू की है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि मेजर जनरल अनुज माथुर साहब की नजर में कश्मीर क्या है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा दिन चुना मेरे से बात करने के लिए, क्योंकि आज इंडियन आर्मी डे है। तो ये बात जान के आपको पता होगा कि आर्मी डे से बेहतर कोई समय मेरे लिए नहीं हो सकता था कि मैं आपसे बातचीत करूं इस विषय पर। जी, आर्मी डे क्या है इसके ऊपर मैं आधा मिनट व्यतीत करना चाहता हूं। ये सन 49 की बात है, 15 जनवरी सन 49 में, जब अंग्रेजों ने भारत का विभाजन किया था और वो भारत को छोड़कर गए थे। मैं आजादी नहीं बोल रहा हूं, क्यों नहीं बोल रहा हूं ये मैं बाद में भी इस बात इस मुद्दे पे आऊंगा। जब भारत का विभाजन हुआ और वो भारत छोड़ के जब गए, तो भारत की सेनाओं का नेतृत्व अभी भी एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के हाथ में था। सन 49 15 जनवरी को भारतीय स्थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा, जो कि बाद में चल के फील्ड मार्शल बने, उन्होंने पहले कमांडर इन चीफ के रूप में उनसे अपना यहाँ पर कमांडर इन चीफ कमांड हासिल करी और उस दिन को हम आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। तो जी, मेरा आपका सहृदय धन्यवाद है कि आपने आर्मी डे को चुना मेरे से। 15 जनवरी को हम आज ये कार्यक्रम तैयार किया है हमने और हम इसके एक दो दिन के बाद इस कार्यक्रम को आज प्रसारित कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को बधाई आर्मी दिवस की, और मैं यहाँ पर जो मेरा सवाल है वो दोबारा दोहराना चाहूंगा कि आपने क्योंकि कश्मीर से अपना काम शुरू किया था और हम चाहते हैं कि कश्मीर से ही हम हमारे आज के विषय की शुरुआत करें। मेजर जनरल अनुज माथुर की नजरों में कश्मीर क्या है? कश्मीर का जो इतिहास है, कश्मीर के बारे में यदि अगर हमको समझना है कि कश्मीर आज क्या है, तो हमें कश्मीर के महाभारत कालीन इतिहास को भी देखना पड़ेगा कि क्या कश्मीर महाभारत के समय था, यदि था तो वो क्या था। और उससे भी एक दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा समय इस पे हम लगा नहीं सकते। महाभारत के समय काल में इस कश्मीर का वर्णन है, और ये कश्मीर का वर्णन क्या है वो ये है कि जो उस समय महाराजा थे कश्मीर के, राजा जन्मेजय जो थे, वो अर्जुन के प्रपौत्र, अभिमन्यु के पौत्र और थे, और इन्होंने इनका एक एक कन्वर्सेशन चल रहा है एक ऋषि से। तो उन्होंने कहा कि भाई जब आपने महाभारत में तमाम देशों के राजाओं को बुलाया, तो कश्मीर के महाराजा को क्यों नहीं, कश्मीर के सेना उसमें क्यों नहीं आया, क्यों नहीं बुलाया गया। तो अब आप देखिए कि किस प्रकार की वर्च्यूज और वैल्यूज
उस जमाने में मौजूद थी, उन्होंने बताया कि इनको कश्मीर महाराजा को इसलिए नहीं बुलाया कश्मीर की सेना को, क्योंकि कश्मीर का जो शासक था वो अल्पव्यय था, और अल्पव्यय जो शासक है वो एक धर्म युद्ध में ये चीज निश्चित करने के लिए सही नहीं है कि वो धर्म किस तरफ जाएगा, कौरवों की तरफ या पांडवों की तरफ, इस वजह से उस शासक को नहीं बुलाया गया कश्मीर की सेना ने इस प्रकार से। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि महाभारत के समय कश्मीर के बारे में उसका वर्णन है। तो ये जो कश्मीर के बारे में हम आजकल बात करते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और यहाँ पर ये कई किस्म की भ्रांतियां फैली हुई हैं और कश्मीर को भारत से कोई लेना देना नहीं है, कोई उसका मिलाप नहीं है, तो वो सब मैं बताने के लिए सबसे पहले वहां चल रहा हूं। उसके बाद ये मौर्य वंश का, मौर्य वंश में ये भारत के मौर्य वंश साम्राज्य का हिस्सा था, मौर्य साम्राज्य इससे भी बहुत आगे तक फैला हुआ था। उसके बाद इस कश्मीर में जो कनिष्क जो शासन थे उनका शासन हुआ, जो सेकंड बुद्धिस्ट यू नो जो हुई थी वहां पे सेमिनार, जो कि 3 महीने चली थी, वो सेमिनार वहां पर हुई, जो तमाम वर्ष दुनिया भर के बुद्धिस्ट मॉन्क वहां पर आकर के उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। एक और मैं बात बताना चाहता हूं कि वो जो शासक की मैंने बात करी जी, जो 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 कश्मीर के शासक की, उसके पहले वो उसके थोड़ा सा इतिहास है उसका भी, कि जो वो जो शासक था उसकी मदर जो थी, वो उनकी स्टोरी है, वो जो मदर थी वो मेरे ख्याल से दुनिया की पहली महिला शासक बनी, और इस बात को हमें गर्व होना चाहिए कि दुनिया की पहली महिला शासक महाभारत काल में जो बनी वो इस अल्पवय शासक की माता थी, कश्मीर से बनी। ये बहुत बड़ी बात है, और ये इसकी सिर्फ लेकिन ये महाभारत है, अब मैं प्री हिस्टोरिक डेज की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री जो लिखित है वो बताऊंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि महाभारत में भी लोगों को आपने जो स्टोरी बताई है वो महाभारत में भी लोगों की जानकारी में नहीं आई है। ये आपने इतिहास गौरव इतिहास जो भारत का है वो आज आपने बताया कि एक महिला जो शासक थी सबसे पहले वो कश्मीर से रही है। हुआ क्या था कि जब कंस का श्री कृष्ण ने वध किया तो जरासंध जो कि कंस का रिलेटिव था, उसने वो चाहता था कि इसका बदला ले, छोटे में बता रहा हूं मैं, बदला लेने के लिए उसने गोनंद नाम का कश्मीरी शासक था उसको बोला कि इसका बदला लिया जाए। तो गोनंद ने आकर के श्री कृष्ण को ललकारा, जब उसने श्री कृष्ण को ललकारा तो बलराम ने कहा कि भाई श्री कृष्ण तो बाद में आएंगे, आप पहले मुझसे युद्ध करें, और उस युद्ध में बलराम ने गोनंद को समाप्त कर दिया, गोनंद पिछले गोनंद। तो उसके बाद श्री कृष्ण जब गांधार जा रहे थे, गांधार जाने के लिए कश्मीर से रास्ता था और कश्मीर हुए बगैर वो जा नहीं सकते थे, तो जब वो गांधार जा रहे थे तो कश्मीर में गोनंद के छोटे भाई उस समय राजगद्दी पे थे, तो उन्होंने देखा कि यार बलराम ने श्री कृष्ण के भाई ने हमारा हमारे भाई का वध किया था, तो मैं इनसे बदला लेता हूं, और उन्होंने उनको ललकारा, उनमें युद्ध हुआ और उसमें वो जो थे वो भी मारे गए, श्री कृष्ण ने उनका वध कर दिया। अब क्या हुआ कि जो श्री कृष्ण के साथ थे उन्होंने कहा कि यार हम लोग इसको इस जनपद को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो अब आप देखिए वर्च्यूज और वैल्यूज का कितना जबरदस्त उस हमारे में हमारे हमारे सनातन में जो था, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम किसी दूसरे राष्ट्र को अपने राष्ट्र में मिलाने के लिए नहीं आए, हम चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका तो कोई उत्तराधिकारी है नहीं। तब यशोमती उसकी माँ का नाम था उनकी पत्नी का, और ये उनके गर्भ में पल रहे थे ये जो राजा थे कश्मीर के जो अल्पव्यय थे, तो उन्होंने कहा कि ये जब जन्म लेंगे उसके बाद ये राजा बनेंगे, तब तक के लिए यशोमती का उन्होंने राज्याभिषेक किया, और वह है पहला उदाहरण किसी महिला शासक का भारत के नवीन इतिहास में। जी जब वो सत्यभामा से विवाह करने के लिए कंधार जा रहे थे तब की बात। जी, और जी, उसके बाद जब वो कुछ दिनों बाद महाभारत का युद्ध शुरू हो गया, वो बालक जन्म के पश्चात राजगद्दी पर बैठा, लेकिन चूंकि वो अल्पवय बालक था इसलिए उन्होंने उसकी कश्मीर की सेना को महाभारत में इनवाइट नहीं किया, शायद यही वजह है कि कश्मीर की सेना और कश्मीर का उसमें महाभारत में जिक्र नहीं आ पाया उस तरीके से जिस तरीके से आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हिस्सा नहीं लिया सही सही। तो ये जी आप ये देखते हैं कि वर्तमान का कश्मीर और पुरातन काल का कश्मीर क्या फर्क महसूस करते हैं, क्योंकि लगातार कश्मीर के ऊपर सभी आक्रांताओं की जो नजर है वो बनी रही है।
मैं वही आ रहा हूँ, उसी विषय पे आ रहा हूँ। अब क्या था कि मैंने बताया आपको कि मौर्यों में कौन और था उसमें, उसके बाद तीसरी शताब्दी तक कनिष्क इनका शासन रहा, उसके बाद 1000 साल वहां पर हिंदू शासकों ने शासन किया जी, हिंदू शासकों का मतलब इससे ज्यादा, और संस्कृत वहां की भाषा थी, और ये माने आप कि संस्कृत वहां की भाषा थी, वो मातृभाषा सिर्फ मात्र ब्राह्मणों की या पढ़े लिखे लोगों की भाषा नहीं थी, वहां का आम नागरिक आम जनता संस्कृत भाषा का प्रयोग करती थी। बिलहन वहां के बहुत बड़े राइटर्स हुए हैं, बहुत बड़े, तो उन्होंने लिखा है कि वर्ड्स टू द इफेक्ट कि भाई जब वो वहां की महिलाएं ट्वेडी रोपण करती थी, चावल की रोपण करती थी, तो वहां पर संस्कृत भाषा में गाने गाती थी। तो संस्कृत जो थी कश्मीर के मूल निवासियों की भाषा थी, और 1000 वर्ष तक हिंदुओं का, 1000 वर्ष के नहीं, आदिकाल से लेकर के और एक समय तक जिसकी मैं बात करता हूँ थोड़ी देर बाद, हिंदुओं का वहां पर सनातन का शासन था। तो जो आज ये बात कर रहा है कि कश्मीर का भारत से कोई लेना देना नहीं है, उसको उसका कोई कोई समझने वाली बात उसके अंदर नहीं है। अब आप देखें कि वहां पर इस्लाम कब और कैसे आया, उसके बाद में थोड़ा दोबारा पीछे जाऊंगा इतिहास में, लेकिन ये मैं बताता हूँ इस्लाम कब और कैसे आया। आप ये बात से पहले बौद्ध भी आए थे, जहां तक मेरी जानकारी है बौद्ध भी आए उसके बाद, वही मैंने कहा बौद्ध, आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि बौद्ध वहां थे, और जो उनका जो सबसे बड़ा उनका बौद्धों का एक वहां पर हुआ था 4 जो कि 6 महीने चला था, वो वहां पर कश्मीर में हुआ है, और जो महायान बुद्ध जो उसका वो है उसका उद्गम है, और वो वहां से फैला है तिब्बत में और चीन में और फॉरेस्ट में और कहां तक चला गया आज की तारीख में जापान तक, यानी कि विश्व में अगर जो भी दिया है वो भारत से ही निकल कर गया है संपूर्ण विश्व में। कोई बिल्कुल सही आपने कहा, कोई इसमें संशय नहीं है, कोई संशय नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो उसके बाद सन 1314 या 15 वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 है या 15, उस समय एक बंदा जिसका नाम शाहमीर था, वो शाहमीर स्वात घाटी का रहने वाला था। स्वात घाटी का आपने जरूर सुना होगा स्वात घाटी क्या है, और आज की तारीख में स्वात घाटी किस लिए मलाला को गोली मार दी, और वहां पर सबसे बड़ा जो फजलुद्दीन है वो वहां पर है। तो आज की तारीख में स्वात घाटी बहुत ज्यादा गलत चीजों के लिए प्रसिद्ध है। स्वात घाटी से एक और चीज, पाणिनी जो कि किसी भी प्रकार की व्याकरण ग्रामर के महा जिसको बोलते हैं बहुत बड़े दादा पिता कहलाते हैं ग्रामर के, उनसे बड़ा उसके बिना ग्रामर की बात नहीं हो सकती, वो पाणिनी का स्थल है स्वात। वो भी आपको पता पड़े स्वात जो है कश्मीर घाटी से एज द क्रो फ्लाइज सिर्फ 90-100 किलोमीटर दूर है। तो आपको ये देखना चाहिए कि उस समय, अब क्या हुआ कि स्वात घाटी में इस्लाम का शासन आ चुका था। ये जो शाहमीर था ये वहां का शासक बनना चाहता था, नवाब या जो भी होता है उनका जी, तो वहां पर कोशिश करी, पकड़ा गया और वहां से जान बचा करके भागा और कश्मीर घाटी में आया। राजा उदयन देव थे उस समय महाराजा वहां के कश्मीर के, तो उन्होंने उसको शरण ली। इस आदमी ने जो इस्लाम लेके आया है कश्मीर में, इसने कोई हमला नहीं किया, कोई जीता नहीं, कोई विजय नहीं प्राप्त करी, इसने इसको शरण दी राजा उदयन देव ने, और उनको लगा कि इस्लाम स्वात तक आ गया है, यहां भी आ सकता है, तो एक ऐसा कुलीन व्यक्ति जो कि हमें इस्लाम के बारे में या स्वात के बारे में और वहां के उनके बारे में कुछ जानकारी दे सकता है, इसलिए उन्होंने उसको दरबार में रखा और मंत्रिपरिषद जो भी होती है उसके अंदर शामिल कर लिया जी। 25 साल उसने लगाए, और उसके बाद 1339 में तख्ता पलट करके जो नोबेलिटी थी, जो उनकी दरबार था, उसकी सहमति से वो वहां का राजा बना, पहला इस्लामिक राजा, शमसुद्दीन डायनेस्टी का पहला। यानी कि जिस राजा ने उनको शरण दी उन्हीं की पीठ पर छुरा घोप कर उन्होंने राज हासिल किया। बिल्कुल निश्चित। अच्छा, लेकिन अब उसमें जो बात समझने की, जो बात मैं बता रहा हूं जो जिससे गर्व होना चाहिए हमें जी, कि जब उसका राजा बना तो किसी और तरीके से नहीं बना, बाकायदा संस्कृत के मंत्रोच्चारण के साथ प्रॉपर राज तिलक हुआ शाहमीर का। और आपको मैं ये और बताना चाहता हूं कि उसके बाद ये शमसुद्दीन डायनेस्टी ने लगभग 225 साल राज किया है, 222 टू बी प्रिसाइज। उन 222 सालों में से
1339 से लेकर के 1450 तक उस जगह की राजभाषा द कोर्ट लैंग्वेज वो संस्कृत ही रही। 1450 के बाद यानी कि 111 साल और लगभग 8-10 राजाओं के 8-10 जनरेशन के बाद उन्होंने पहली बार वहां पर फारसी पर्शियन लैंग्वेज को कोर्ट लैंग्वेज की तरह इंट्रोड्यूस करा। अब ये जब राजा बना तो इसके जो जनरेशन आगे थी उन्होंने बहुत भीषण तरीके से वहां पर लोगों को कन्वर्ट कराया, जिसने इस्लाम कबूल करवाया। और इसकी भी कहानी है, मैं आपको सारी कहानियां नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक था सिकंदर, उसको बुत शिकन के नाम से जानते हैं। बुत शिकन इसलिए हुआ 1405 में था, और वो बुत शिकन इसलिए हुआ कि उसने जितने भी वहां पर मंदिरा थे, जितने भी हिंदुओं के वहां पर जो जो उनके उनके कल्चर और रिलीजन को बताने वाले जी, उनको समाप्त उनको खत्म करना शुरू कर दिया। मुझे इस बात से मैं एक एक आपको इससे रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूं कि इससे कितना मानसिकता का पता पड़ता है। कैसे कोई अगर अच्छी चीज है उसको आप भंग करने के लिए तोड़ने का सोच सकते हैं जी। हम्पी का नाम आपने सुना होगा, राजा अपना कृष्णदेव राय की जगह थी हम्पी। वहां पर V.S. नाइपॉल हैं जो कि लिटरेचर के नोबल लॉरियट हैं जी, वेस्ट इंडियन हैं। उनकी चार जनरेशन ऊपर जो थी वो इंडियन थी, इंडियन पेरेंट्स, चार जनरेशन ऊपर इंडियन पेरेंट्स थे। वो अपने पेरेंट्स की जगह देखने के लिए हम्पी आए और उन्होंने लिखा है जी कि जब मैं वहां आया तो मेरे आंखों से आंसू निकले कि कैसे कोई इंसान या कोई भी मानसिकता किसी भी अच्छी चीज को तबाह कर सकती है, क्योंकि वो उसने नहीं बनाई जी। क्योंकि वो उसमें इस्लाम नहीं है, इसलिए उसको तोड़ दो, जला दो। ये उनकी उनका तरीका है। तो इस मानसिकता को समझने की बात है, फिर हम कश्मीर में जाएंगे तब आपको पता पड़ेगा कि ये मानसिक। उसके बाद उन्होंने जाकर के किताबें लिखी 50 और उनको 10 साल बाद नोबेल प्राइज मिला उसी। लेकिन उसकी प्रेरणा यहां से आई थी कि ये क्या मानसिकता है कि आप किसी भी सुंदर चीज को, भाई आप मेरे जैसे आदमी को कोई सुंदर चीज नजर आएगी, कोई अच्छी चीज नजर आएगी, कि मूर्ति नजर आएगी, तो मैं उसको चाहूंगा कि मुझे मिल जाए, उसको स्वीकार। मानसिकता जो है ये मानसिकता कि मैं उसको तोड़ दूं, मुझे तो मैं तो नहीं ही लूंगा, किसी और को भी नहीं लेने दूंगा वगैरह टाइप। मतलब उसका यह था कि कोई भी वो चीज जो कि उसके हिंदू हमारे सनातन को समझने के लिए और समझाने के लिए कश्मीर में थी, उसको समाप्त करना उसका एकमात्र वो था। तो उसका एक मार्तंड टेम्पल है, ये टेम्पल ललितादित्य ने बनवाया था, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करने जी। तो ये जो मार्तंड टेम्पल है, ये जो सूर्य मंदिर है, दुनिया में विश्व में 4 सन टेम्पल्स हैं जी। एक आपको पता है पुरी में है, उड़ीसा में है, एक गुजरात में है, एक अभी मुल्तान जो है पाकिस्तान में मुल्तान वहां था, और चौथा सन टेम्पल मार्तंड है, ये ललितादित्य ने बनवाया, जिसके बारे में थोड़ी देर बात। इस टेम्पल को तोड़ने के लिए उसने पूरे जतन कर लिए। जब उससे वो टूटा नहीं, उसके पास बारूद नहीं था उसको बर्बाद करने के लिए, तो उसने उस टेम्पल के चारों ओर खाई खुदवाई। आप जाके देख सकते हैं, मार्तंड नाम की जगह है, मार्तंड टेम्पल है इसका नाम। इन्होंने बिगाड़ के मट्टन कर दिया है आजकल, नामों पे भी इन्होंने बड़ा भारी सियासत कर रखी है और सारे नाम बिगाड़ के चेंज कर रहे हैं। मट्टन कहलाता है लेकिन वो मार्तंड है, और आप वहां जाके देखिएगा, हैदर नाम की पिक्चर आई थी उसमें उस टेम्पल की शूटिंग। तो उसने क्या किया कि चारों तरफ खाई खुदवाई, लगभग 100-150 एकड़ जंगल काटा और उसमें आग लगाई ताकि वो टेम्पल को बर्बाद कर सके। चट्टाने तड़क गई लेकिन वो टेम्पल टूटा नहीं, और ईश्वर की दया से वो टेम्पल रुइंस में है लेकिन आज भी मौजूद है। मेजर अनुज माथुर साहब, हम आपका जी मेरा आपसे एक सवाल और है कि जो आपने इस तरह की इतिहास की हमें गौरवान्वित करने वाली बातें बताई, ये कहीं ना कहीं इतिहास में पूरी तरह से आगे नहीं आ पाई,
यानी कि हमको पूरी तरह से नहीं पढ़ाया गया, उसकी मैं वजह पीछे क्या कारण मानते हैं आप कि ये जो वास्तविक इतिहास था वो हम तक क्यों नहीं पहुंच पाया? देखिए वास्तविक क्या होता है कि इतिहास का जो जो होता है ना, जो जो जिस अवस्था में होता है वो इतिहास को अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है, यानी कि जिसके पास शक्ति है वो अपना इतिहास ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। अब ये मेरे आपने प्रीएम्प्ट कर दिया, ये मैं थोड़ी देर बाद कवर करने वाला था, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कि हमने भी अपने इतिहास को लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट के इंटरप्रिटेशन के ऊपर निर्भर करके छोड़ दिया। वो एक बड़ी भारी हमारे से भूल हुई है और उसकी वजह से जो उनका इंटरप्रिटेशन है इतिहास का उसको हमें पढ़ाया जा रहा है, उसको हमें बताया जा रहा है, और उसी वजह से हम ललिताचार्य को नहीं जानते। उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूं। अभी जो इसकी वजह आप पूछ रहे थे, उसकी वजह यह थी कि आपको जब आपको कश्मीर को यह सिद्ध करना है जी कि वो कश्मीर जो है भारत है ही नहीं, और जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं अजरबैजान और सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग हैं जो कह रहे हैं तो हमारे सेंट्रल एशिया का हिस्सा था, कभी भारत था ही नहीं, तो यदि वो सिद्ध करना होगा तो आपको इतिहास का जो इंटरप्रिटेशन मैं बता रहा हूं वो इंटरप्रिटेशन आपके काम नहीं आएगा जी। ये जो सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने उस इंटरप्रिटेशन को उसको समाप्त करने की कोशिश करी, इसका अब क्या है कि जब इसका मैं आपको बताता हूं लिखित कहां पर अवेलेबल है ये इतिहास, और इसको हम हमारे जैसे लोग, शर्म की बात यह कि हमारे और आपके जैसे लोग इस बात को क्या कह करके नकार देते हैं जी। आप ये देखें कि ललिताचार्य का जो उसके कर्कोटा डायनेस्टी जो कश्मीर में थी आठवीं शताब्दी में, वो पूरा का पूरा सेक्शन इतिहास से गायब है, पूरा का पूरा सेक्शन गायब है इतिहास से। आप, मैं आपको बताता हूं कि आप 50 लोगों से पूछ लीजिए, कोई अगर को बता दे आपको ललिताचार्य कौन था तो मैं मान जाऊंगा आपको। ललिताचार्य भारत का अलेक्जेंडर कहलाता था जी, विश्व विजेता था, उसका साम्राज्य ईस्ट में कामरूप से लेकर के कैस्पियन सागर तक था, नीचे कावेरी के बेसन तक था, उत्तर में तिब्बत तक था। अशोका दी ग्रेट, अकबर दी ग्रेट, उन दोनों ग्रेटों का आपस में मिलान कर दिया जाए तो शायद ललिताचार्य का साम्राज्य उससे भी बड़ा था। लेकिन चूंकि वो कश्मीर में था, क्योंकि वो कर्कोटा डायनेस्टी कश्मीर का राजा था, और उस समय इन्होंने जब इनका इस्लामिक बुद्ध सिकंद या सिकंदर या शमसुद्दीन डायनेस्टी का टाइम आया, और उसके बाद मुगल आए, उसके बाद वो बताऊं कौन कौन आया उसके बाद, तो वो सब जब आए तब उन्होंने इसको सिस्टमेटिक तरीके से डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, ताकि वो इस बात को सिद्ध कर सकें कि कश्मीर एक सिर्फ जमीन का टुकड़ा है जो कि हमारा है और हम इसे किसी कीमत पे आपको आपसे इसको नहीं मानेंगे। ये जब सिद्ध आपको करना पड़ेगा तो किसी ना किसी तरीके से आपको वो जो इतिहास का इंटरप्रिटेशन मैं बता रहा हूं उसको दरकिनार करना पड़ेगा, अन्यथा कोई मानेगा कैसे जी। ये जब कार्रवाइयां चल रही थी तो वहां से हिंदुओं को या तो भगा दिया गया या उनको खत्म कर दिया गया और या उनको कन्वर्ट कर दिया गया। इस कन्वर्शन की भी हिस्ट्री है, जो कि ईरान में एक विश्वविद्यालय है और वहां पर लिखे हुए ग्रंथ है जिनको की कहा जाता है, वो फारसी में लिखे हुए जी, उन ग्रंथों में इसका उल्लेख। इंडिया में जब ये हिंदुओं का राज था 1000 साल तक, उस समय एक चीज होती थी जो कलहन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने राज तरंगिनी लिखी थी। राज तरंगिनी मतलब राजा और तरंगिनी प्रवाह, नदी की तरह प्रवाह, तो राज तरंगिनियां थी, और जब वो गए तो उनके बाद कोई और आए, उन्होंने उसको ले रिले रेस, तो राज तरंगिनी एक रेगुलर फीचर था एक तरीके का, वो जिसमें कि क्या उस समय की परिस्थिति है वो लिखी हुई थी जी। तो उस जमाने की 1405 वाली जो 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 लिखा हुआ है उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से इन्होंने कन्वर्शन किया गया। अब कर जब वो कर रहे थे तो अब क्या होता था कि वो आते थे, कोई वो ईरान से आए हुए थे और वो इस गांव में कन्वर्ट किया, आगे चले गए और आगे चले गए, जब पीछे आए थोड़ी देर बाद तो वापस वैसे के नष्ट हो गए। अब उन्होंने पूछा कि यार ये क्या वजह है कि हम इसको पक्के कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तब उन्होंने कहा, उन्होंने पता लगाया कि क्या ऐसी चीज है जिसके करने से इनको दोबारा पलटने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या होता था कि जो उनकी पुस्तकें थी ज्ञान की उनको उनकी महिलाएं छुपा लेती थी,
और जैसे ही ये लोग जाते थे वो दोबारा अपने प्रैक्टिसेस पे आ जाते। तो उसने पूछा कि क्या ऐसी चीज है, तब उनको बताया गया कि गो हत्या और गो मांस भक्षण जी एक ऐसी चीज है जिसका कि कोई भी आप उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, यदि एक बार ये हो गया तो आप सनातन से दूर। तो उन्होंने ये कर जब उनको यहां समझ में आया तब ये सब उल्लेखित है। अब ये कहां है ये कोई मानने वाला नहीं है, और ये इसकी मैं बताऊंगा कि दो वर्षों जो हमारे वाले जो इंटरप्रेटर्स हैं इतिहास के वो क्या बोलते हैं और मुस्लिम क्या बोलते हैं। तो इन्होंने इन्होंने ये काम करवाया जी, पुरुषों को बुलाया, गायों को मरवाया, फिर सबको खिलाया। एनीवे दैट वाज द वर्स्ट वे ऑफ कन्वर्टिंग, कन्वर्ट उन्होंने करे इस प्रकार से। अब 1450 में आपका पर्शियन का उद्गम हुआ वहां पर पहली बार। तो 1450 अब आप ये देखें कि भारत शेष भारत में इस्लाम कब आया, शेष भारत में इस्लाम 12वीं शताब्दी में आ गया था, 13वीं शताब्दी में पैर फिसल लिए थे। और वही इस्लाम उस जगह पर जिसको कि आज ये कहते हैं कि वो 100% इस्लामिक है, उस जगह पर 1450 में हुआ, 1339 में आया, 1450 में पहली बार कोर्ट लैंग्वेज जो है वो संस्कृत के अलावा दूसरी लैंग्वेज बनी जी। उसको आप ये सिद्ध करना चाह रहे हो कि वो पूरा मुसलमान देश। बिल्कुल, जिस कश्मीर की शुरुआत संस्कृत से हुई हो, जिस कश्मीर की शुरुआत ऋषि मुनियों से हुई हो, आज आप उस कश्मीर को कहां पाते हैं? क्या आपको लगता है कि जो इतिहास के पन्ने हैं उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की बहुत जरूरत है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ। वहां पर एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम था अभिनव गुप्त जी। चार वेद हैं, चारों वेदों के अलावा यदि कोई एक और ग्रंथ क्योंकि वेद के नजदीक पहुंच सकता है या उसके तुल्य माना जा सकता है वो है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो था वो पांचवा वेद के लगभग मान लेते हैं, लेकिन अपन नहीं मानते वेद, मतलब सबसे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नाट्य शास्त्र। अब जो नाट्य शास्त्र था उसको समझने के लिए आपको चाहिए जो अभिनव गुप्त ने लिखा, वो एक उसकी समझने के लिए, उसके बगैर आप नाट्य शास्त्र को समझ नहीं सकते। तो वो हस्ती थी अभिनव गुप्त, और आज की तारीख में आप तमाशा देखिए, उसी अभिनव गुप्त ने वो उस वो जो उसने वो लिखा उसके बारे में उतना प्रसिद्ध नहीं है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी कृतियां हैं जिनके लिए वो प्रसिद्ध है। साउंड के ऊपर उन्होंने लिखा है, एस्थेटिक्स के ऊपर उन्होंने लिखा है, पोएटिक्स के ऊपर उन्होंने लिखा है। आज की तारीख में आप एस्थेटिक्स पोएटिक्स की शिक्षा कहीं देश की दुनिया के किसी कोने में ले नहीं सकते जब तक कि आप अभिनव गुप्त न पढ़े। और विडंबना देखिए कि आज की तारीख में अभिनव गुप्त के ऊपर विश्व दुनिया के 80 विश्वविद्यालयों में रिसर्च हो रही है, 80 विश्वविद्यालयों में अभिनव गुप्त पढ़ाया जा रहा है, और विडंबना यह है कि उन 80 में से एक भी हिंदुस्तान में नहीं है, जबकि ये व्यक्ति हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का। ये जब आप इस स्थिति तक आ जाते हैं तो अब उसको उस स्थिति से हमने आज की तारीख में यहां पर ला करके इसको बैठा दिया। इसका 1450 के बाद 111 120 साल और उन्होंने शमसुद्दीन डायनेस्टी ने राज किया। उसके बाद मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको, मैं एक सेकंड बताता हूँ जी। कई लोग यहाँ पर आके और चले गए, सबसे इसके बाद ये क्या कहते हैं मुगल से आए, सबसे पहले अफगान पठान आए। जब पठानों ने उनके ऊपर बहुत जबरदस्त बहुत ज्यादा उन पर जुल्म ढाने शुरू किए, सबसे ज्यादा खराब समय वही था, तो वो था 1819-1751 में आए थे 1751 में, और वो जो 50-60 साल थे 1751 से लेकर के 1819 तक के, वो मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर इतिहास के सबसे काला काला टाइम वो हिस्ट्री का था जी। तो उस समय वहां से एक हिंदू राजा महाराजा रणजीत सिंह के पास लाहौर में गए जी। लाहौर में उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से कहा कि भाई ये बहुत ज्यादा हो रहा है और आप हमें बचाइए। तो महाराजा रणजीत सिंह ने उससे पूछा कि भाई हाउ, आप मुझे बताएं कि आप मेरे ऊपर ट्रैप तो नहीं लगा रहे, आप मेरी सेना को वहां ले जाओगे, वहां फंसवा दोगे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, सन आप इसको रख लें, और यदि वहां कुछ जरा भी वो होता है तो आप इसको खत्म कर सकते हैं, ये मेरा ये आपको मैंने वो रख दिया, क्या कहते हैं जो भी होता है गिरवी के रूप में, एक गिरवी कर दिया, बस नॉट द वो वर्ड जी। उसके बाद वहां जाकर के सिखों का राज हुआ। उसके बाद जब एंग्लो सिख वॉर हुई उसमें महाराजा गुलाब सिंह जो कि एक डोगरा राजा थे
उनके साथ मिलकर के उन्होंने कश्मीर को कश्मीर पे डोगरा शासन स्थापित किया 1840 में जी। उसके बाद का स्वर्णिम इतिहास मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा। तो 1840 में डोगरा शासक गुलाब सिंह, और वो भी शासन उसको ऐसे नहीं था, गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए की एवज में अंग्रेजों ने, 75 लाख माइंड यू, 75 लाख किस समय, 1840 में 75 लाख रुपए लेकर के उन्होंने उसको उसको गुलाब सिंह जी को वहां पर कश्मीर का शासन सौंप दिया। गुलाब सिंह का एक बहुत जबरदस्त जनरल हुआ है, शायद आप जानते हो, जोरावर सिंह जी। जनरल जोरावर सिंह मेरे ख्याल से वॉरफेयर की हिस्ट्री का सबसे सबसे शक्तिशाली और सबसे बढ़िया जनरल जनरलों में से एक हुआ है रिसेंट वॉरफेयर की हिस्ट्री। आज की तारीख में जिस गलवान और चीन और इस तिब्बत की हम बात करते हैं, जहां पर आप हवाई जहाज से नहीं जा पा रहे हैं, वो पूरा नॉर्थ, पूरा टिबेट, पूरा ये जो एरिया है जो कि पीओके और उसके आप बाद वाला काराकोरम रेंज तक, उन्होंने घोड़े की पीठ पे जाकर के पूरा इलाका उस डोगरा साम्राज्य में शामिल किया। जम्मू कश्मीर का जो स्वरूप आज की तारीख में है उसके लिए जिम्मेदार है जनरल जोरावर सिंह। उसके बाद उन्होंने तिब्बत में हमला किया, ल्हासा तक वो पहुंचे। आप किसी ने आपसे ये सवाल शायद नहीं किया होगा कि कैलाश पर्वत का नाम कैलाश क्यों है अगर वो हिंदुस्तान में नहीं है तो, मानसरोवर क्यों है अगर वो इंडिया में नहीं है तो जी। इनका सवाल का जवाब आप देखें, वो सब भारतवर्ष का हिस्सा थे हमेशा। अब काल चालाकी के साथ, चाहे वो चीन हो चाहे वो कोई भी इस्लामिक रूलर्स हो, उन लोगों ने अपने, तो ये उस 1840 में इन्होंने डोगरा शासन आया, और 1946 तक डोगरा, और अंतिम शासक जो डोगराज के थे वो महाराजा हरि सिंह थे। महाराजा हरि सिंह की वजह से ही आज की कश्मीर की समस्या जो है वो काफी हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल मेजर साहब, मैं आपसे एक सवाल और करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लगातार जो हमें इस समय कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं उनके काफी सवाल जो है वो हमारे पास लगातार आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी के सवाल जो है हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाएंगे, तो हम अलग से उनसे सवाल जानकर और फिर आपके साथ लंबी चर्चा करेंगे, जिसमें हम लगातार उनके जो सवाल हैं उनके जवाब भी दे सकेंगे, क्योंकि हमें अभी समय की भी वैधता देखनी होती है, सब कुछ देखना होता है। मेरा सवाल आपसे एक और यहाँ पर है, क्योंकि 19 जनवरी जो है वो आने वाली है, और कश्मीर की बात करते हैं तो 19 और 20 जनवरी कहीं ना कहीं हमें एक काले दिवस के रूप में दिखाई देता है। आप किस नजरिए से देखते हैं जब कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर निकाला गया था? ये भारतवर्ष की नहीं, मानव इतिहास की सबसे बुरी, सबसे सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक शामिल शुमार है जी। 19-20 जनवरी को 5 लाख कश्मीरी हिंदू, अभी इन लोगों को ये डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, पंडित कश्मीरी हिंदू, तमाम किस्म के हिंदू, कश्मीरी हिंदुओं को वहां से पलायन करने पर मजबूर किया गया। पलायन जब हुआ, वो स्थिति आप देखिए, जनवरी सबसे ठंडा महीना, सारे रास्ते बंद, जबरदस्त हिमपात जी, आने का कोई तरीका नहीं, और उसमें ये उन्होंने हालात पैदा किए कि भैया आपको ये इस तरह की भाषा में इस्तेमाल आमतौर पर नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा, ये रिकॉर्डेड है, कि अपनी बहू बेटियों को छोड़ो और यहां से भागो या मरो। बिल्कुल साफ मैसेज था, और ये मैसेज जो है, ये मैसेज आया है मस्जिदों से, जो कि खुदा के इबादत का जगह है, वो आजकल वहां पर कश्मीर में मस्जिदें सियासत का अड्डा बनी हुई है, वहां से और मजबूर किया कि जो उनको बन पड़ा, जैसे बन पड़ा, कपड़े पूरे आधे, जैसे पैदल वहां से पलायन हुआ, तमाम हिंदू, खाटी हिंदू भी हो गई, एक भी नहीं बचा। पहला पलायन नहीं था, इसके पहले भी मैंने बताया कि 5-6 पलायन हो चुके हैं वहां से, बुद्ध चिकन के टाइम पे हुआ और तो, लेकिन वो जब 6 पलायन हुए थे तब कौन था? चिकन था,
मुगल थे, अफगान थे, पठान थे, कोई नहीं बात। लेकिन नब्बे में जो हुआ है, भारतवर्ष आजाद था, 10 लाख फौज, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, आप बता दें क्या एक्शन हुआ, किसके खिलाफ, क्या किसने लिया, एक आदमी बता दें जो कि इतने सारे हत्याओं और बलात्कारों के बावजूद एक आदमी कन्विक्ट हुआ हो, एक, वन, वन मैन, जीरो। तो सब इसका जो फर्क है, वो फर्क कितने लोग गए, कैसे गए, उसमें नहीं है, किन हालात में गए। देश का होम मिनिस्टर कौन था, देख रहे हैं आप खोल करके चिट्ठी, मुफ्ती मोहम्मद सईद। तो ये बहुत ज्यादा शर्म की बात। इसके साथ एक और स्टोरी है, मैं बताता हूं आपको कि किस प्रकार से हमने इस कश्मीर की हिंदुओं के पलायन को हैंडल किया। अब क्या हुआ, जब ये जब सिचुएशन शुरू हुई वहां पर, ये सिचुएशन शुरू हुई थी 1989 में, क्योंकि इलेक्शन को हमने पूरी तरह से रिग किया, फारूक अब्दुल्ला को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाया जी, पूरी रिगिंग, एक भी सीट नहीं मिलने वाली थी फारूक अब्दुल्ला को, और वो उनको वहां बनाया, तो उससे वहां पर शुरुआत हुई जो आज की तारीख में कश्मीर की स्थिति है उसकी। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के ग्रुप के माध्यम से UNHRC, यूएन जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहां पर अपना इसके लिए बोला कि भारतवर्ष जो है कश्मीर में बहुत ज्यादा वो कर रहा है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। तो यहां से हमने एक नरसिंह राव, उसके उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, हमने एक वो भेजा ग्रुप, और उस ग्रुप में सारे लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि भाई देश की समस्या है तो देश इसका जवाब देगा, ना कि सरकार। तो उन्होंने उसमें अटल बिहारी जी वाजपेयी भी थे, सुशील पंडित भी थे, कई लोग थे जो कि इनके बारे में जानते। तो उन्होंने वहां जाकर के इसके ऊपर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि आप किस ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं, इन 4-5 लाख 3 लाख जितने भी लोग थे उनका ह्यूमन राइट का क्या, जो 10,000 बलात्कार हुए उसके ह्यूमन राइट्स का क्या, तमाम उनके नोटिसेबल नोटेबल जो लोग थे, जस्टिस जो जजेस थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर थे, टीचर्स थे, उनको सबकी हत्या हो गई खुले में, उसका उसका कोई साला ह्यूमन राइट नहीं। जब उन्होंने ये पूरा बताया तो पाकिस्तान ने खड़े होकर के कहा कि भाई कश्मीर इज अ अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन। तब कहा हमारे प्रतिनिधिमंडल ने कि भाई इफ दैट इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन, Are you willing to take all the Muslims from here? Because the partition had taken place on that basis. जब ये बात आई तब ईरान को सबसे पहले दिमाग में घुसी ये बात, उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया और धीरे धीरे तमाम OIC स्टेट्स ने उससे सपोर्ट वापस लिया, क्योंकि ये बात सच है। आप मेजर साहब क्या कारण मानते हैं कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई, एक और बात, ये it doesn't stop there. फिर उसके बाद वो वापस आ गए। जब वो वापस आ गए तो लोग कश्मीरी लोग पंडितों को हिंदुओं को लगा कि भाई ये तो हमारे देश ने वहां जाकर के यूएन में सिद्ध कर दिया कि हमारा हमारा मानवाधिकार हनन हुआ है, तो हमारे लिए कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने भारतवर्ष के ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक पत्र लिखा कि भाई हमारा क्या भविष्य है। जस्टिस वेंकटचलैया जो उस समय उस ह्यूमन राइट्स कमीशन के सरगना थे, उन्होंने भारत सरकार को ये पत्र भेजा जी, वही भारत सरकार, वही प्रधानमंत्री, और उन्होंने उसका जवाब में ये लिखा कि जो हिंदुओं का पलायन हुआ है, दैट वाज सेल्फ इंड्यूस्ड। इससे ज्यादा 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 मिस्टर माथुर साहब, आप क्या मानते हैं कि जब इतनी बड़ी देश की इतनी बड़ी दर्दनाक घटना घटित हो गई, उसके बावजूद भी जो चाहे हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें या देशभक्त कहने वाले जो संगठन है उनकी बात करें, क्या उसमें से किन्हीं ने आवाज नहीं उठाई इस बारे में? आप तब की तो छोड़ो, आज कौन उठा रहा है आवाज? आज तो कारण क्या मानते हैं आप, क्यों नहीं आवाज उठा पा रहे? अब इसका देखिए मैं थोड़ा राजनीतिक, आज हमने ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया ज्ञान महोत्सव के माध्यम से। मैं इसके जो राजनीतिकरण के बीच में जाना नहीं चाहता। इसका क्या है कि जो आपकी जो कश्मीर की आज की तारीख में स्थिति हमने बना दी है, अब क्या है, अब जैसे आपको कुछ दिन पहले मुझे ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है कि जब उन्होंने बातचीत चल रही थी कि भाई इनको दोबारा स्थापित करेंगे, तो कश्मीर से आवाज नहीं आई,
हैदराबाद से आवाज आई कि अब कैसे हिंदुओं को दोबारा वहां भेजेंगे, वो तो मुसलमानों की जगह। जब धर्म इसमें आ जाता है तो फिर यहां पर इतनी शक्तियां हैं जिन्होंने, मैं आपको, हम लोग थोड़ा जंप मार के आ गए जो सन 47 से लेकर के और आज तक जो, क्योंकि लगातार इतने सवाल हैं, इतने आपके पास भी जवाब हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना संभव हो पाएगा कि हम आज ही इस पूरे कार्यक्रम को दर्शकों के साथ, हम इसमें धीरे धीरे एपिसोड की तरह इसको चलाएंगे और हर समय आपके बारे में, आपके पास जो जानकारियां हैं वो हम आम जनता तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। मेरा एक सवाल और आपसे है, क्योंकि लगातार हम भारत के गौरवशाली इतिहास की बात कर रहे हैं और ऐसे इतिहास की जो हमें जानना जरूरी था लेकिन वो आज तक हम तक नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे एक और पुराना किस्सा याद आ रहा है जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था और महीनों तक उसकी जो आग है वो लगातार जलती रही थी और किताबें धूं धूं करते जलती रही थी। आपकी नजर में आप क्या मानते हैं सर? बिल्कुल, ये देखिए, ये भी मैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीएस नायपॉल का उदाहरण दिया था हम्पी में, वही बात है कि ये क्या मानसिकता है। दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा पुस्तकालय, 9 मिलियन बुक्स, और वो जो व्यक्ति था जिसने उसको जो जलाया उसके लिए कहानी है। अब मैं उस कहानी को कितनी सच है या वो है मैं बताता हूं कि हुआ ये कि जो बख्तियार खिलजी था जिसने कि इसको ये जलाया था, वो बीमार पड़ा एक दिन, तो उसके जितने भी वो वैद वो दिया उसके हकीम शकीम थे वो उनसे ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने नालंदा से एक वैद्य बुलवाया, वकील जो अपने वैद्य बुलाए और वैद्य जी की दवा से वो ठीक हो गया। तब उसको पता लगा कि यार ये हमारे तो साले सारे फेल हो गए और इस वैद्य की दवा से मैं ठीक हो गया हूं, इसका मतलब ये ज्ञान कहाँ है, और ये ज्ञान चूंकि हमारे पास नहीं है इसलिए किसी और के पास नहीं होना चाहिए, और यही वजह थी कि उसने नालंदा और नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। 9 लाख की पुस्तकें, आपका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गलत है, 6 महीने तक चला था नालंदा विश्वविद्यालय जी, 6 महीने, क्योंकि इतना बड़ा, इतना शानदार विश्वविद्यालय, 10,000 विद्यार्थी जापान, ताइवान, चीन, मंगोलिया, हर जगह से, पूरी दुनिया से। आज का ये हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा उसका विषय है, विडंबना का, कि एक जमाना था कि सब लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए, सब लोग अपने ईश्वरीय ज्ञान के लिए भारतवर्ष की ओर आकर्षित होते। आज हमारा बच्चा बाहर जाके पढ़ाई कर रहा है। उसका यह था कि जब उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई, और सबसे बड़ी बात, आज भी आपके देश में जिस व्यक्ति ने उस विश्वविद्यालय को भस्म कर दिया, जो आपकी आपकी एक धरोहर थी, उसके नाम पर उसी नालंदा से 40 किलोमीटर दूर पर एक शहर बसा हुआ, और हम कुछ करने के काबिल नहीं है, या इसका जवाब आप स्वयं सोचने की क्या है? यानी कि जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाई उसी के नाम से एक शहर आज भी चल रहा है, आज भी है, और मुझे नहीं मालूम कब तक चलेगा। रेलवे स्टेशन है, मैं रांची में पोस्टेड था कुछ समय पहले, 15 साल पहले, तो हम लोग गए हैं वहां पर, हमने देखा है वो रेलवे स्टेशन, और तभी से मेरे दिमाग में ये था कि ये पता लगाऊं कि ये क्या चीज है। पहले तो मैंने ये पता लगाया कि भाई ये वाकई उसी के नाम पे है या बख्तियारपुर, तो कुछ भी हो सकता है जी, लेकिन ये वही है, बख्तियार खिलजी के नाम पर बना हुआ है, उसी ने बसाया है ये शहर। मेजर अनुज माथुर साहब, देखिए समय की क्योंकि पाबंदी भी है और लगातार हमें और भी सेशन हमें करने हैं, चलते चलते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारा वर्तमान जो इतिहास है क्या उसमें बदलाव की आवश्यकता है? निस्संदेह बदलाव मैं नहीं कह रहा, इंटरप्रिटेशन। इतिहास जो होता है, जैसे जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने इतिहास लिखा, तो ऑब्वियसली जैसा वो होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब इतिहास हमारा है तो हमारे लोगों ने जो इतिहास लिखा है उसको कम से कम पढ़े तो सही जी, उसको हम तो बदलाव की यह आवश्यकता है कि जो इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए उस इंटरप्रिटेशन की भी हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। जो भी इतिहास जो है वो इतिहास खाली उन पे नहीं चलता, इतिहास में प्राइमरी एविडेंस चाहिए। आप तभी आप देखेंगे राम मंदिर का मुद्दा जो था वो 50 साल चला, जब तक पूरी उसकी एविडेंस नहीं सिद्ध हो गया कि ये वही था, तो एविडेंसेस चाहिए।
जो मैं कह रहा हूं वो इतिहास नहीं बन सकता, लेकिन इतिहास जो है उसके एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं, जो 80 विश्वविद्यालय जो उसके ऊपर अभिनव गुप्त के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, 40 विश्वविद्यालय भारतवर्ष में भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और ऐसे रिसर्च करने वाले व्यक्ति को कोई आप उसको कोई इंसेंटिव दें जी। हर उस जगह जो आज की तारीख में इतिहास हमने दबा दिया है, चाहे वो चोलों का हो, चालुक्यों का हो, चाहे वो राष्ट्रकूटों का हो, जिसको कि आज भी अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप राजेंद्र चोल राजराज चोल को जानते हैं या हैदर अली टीपू सुल्तान को जानते हैं, तो हैदर अली टीपू सुल्तान को सब जानते हैं, और राजेंद्र चोल राजराज चोल जिन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी दी है, चोल डायनेस्टी साउथ इंडिया में, इनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ बर्मा, श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान, सब जगह था। राजेंद्र चोल राजराज चोल वर द ग्रेटेस्ट नेवल वॉरियर्स ऑफ देयर टाइम। लेकिन हमें अभी भी टीपू सुल्तान ज्यादा पता है, उसकी वजह यह है कि टीपू सुल्तान ने लड़ाई किससे करी अंग्रेजों से, इतिहास किसने लिखा अंग्रेजों ने, तो वो टीपू सुल्तान लिखेंगे, वो क्यों लिखेंगे राजराज। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं अवेलेबल है, हर जगह है, छोटे छोटे रूप में हमारी छठी सातवीं क्लास में मैंने पढ़ा था चोल राजा, एक राजा हुए, एक राजेंद्र हुए, एक ये हुए, एक काम खत्म, लेकिन उन पे रिसर्च करना वो जरूरी है। इतिहास में बदलाव लाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतिहास चेंज करें, लेकिन आप उस पे शोध करें, और आप देखें द्वारिका जो 5,500 साल पुरानी द्वारिका समंदर के नीचे से निकल रही है वो क्या है जी, हरियाणा में जो खुदाई हो रही है वहां से जो निकल रहा है वो क्या है, उस पर रिसर्च करें, जो शोध ये होगा ललितादित्य पर शोध करें जी। बिल्कुल माथुर साहब, पता पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। बिल्कुल माथुर साहब, आपने जो भी हमें लोगों ने सुना नहीं है उसके बारे में, बिल्कुल मेजर जनरल माथुर साहब, आपने जो हमें गौरवशाली इतिहास आज बताया है, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और चलते चलते ज्ञानम महोत्सव के माध्यम से आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे साथी हैं, उन सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे ज्ञानम लोगों से जो भी। एक तो मैं सब आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि आज का जो युवा है उसको ये जानने की आवश्यकता है कि एक लाइन टैग लाइन है, जो कि आपने अगर मेरे को मेरा वीडियो वो देखा होगा आपने व्हाट्सएप का, तो उसमें भी जो लिखा हुआ है मेरा स्टेटस वही है, नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट। जब ये हमारी युवा पीढ़ी को ये पता पड़ जाएगा कि जो देश है, जो राष्ट्र है, वो सर्वोपरि है। जब हम मिलिट्री अकेडमी से पास आउट होते हैं तो एक चीज हमें पढ़ाई सिखाई जाती है, कैटोडियन मोटो, और उसमें यह लिखा हुआ है कि देश सर्वोपरि, जो आपके सैनिक हैं उसके बाद, और आप सबसे पीछे जी। वही जो 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 जज्बा है, वही जो वैल्यू है, वही जो वर्च्यू है, वो हमें अपने यहां पर लानी पड़ेगी। यही मैं आपको संदेश देना चाहता हूं कि कृपया देश को, राष्ट्र को, राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रख करके कोई भी काम करें। राष्ट्र की सेवा करने के लिए सैनिक होना आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जो भी काम कर रहा है, जो आप काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहा है, हर व्यक्ति अपनी जगह पर जो काम कर रहा है उसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से राष्ट्र सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए करता चला जाएगा। उससे बड़ी राष्ट्रभक्ति कोई नहीं है। राष्ट्रभक्त होने के लिए आपको सैनिक होना जरूरी नहीं है। राष्ट्रभक्त दोस्तों आप थे मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, जिन्होंने आज हमें इतिहास की बहुत सी जानकारी दी, और आगे भी हम आपसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान महोत्सव में जुड़ने के लिए। वंदे मातरम। City Live, a platform to sharing your thoughts.